कानपुर नगर से एक शिक्षक ही हमारे हर मार्ग को दिखाने में हमारी सहायता करता है। ज्ञान को अर्जित कराने में एक शिक्षक का कितना योगदान होता है ये हम सभी बेहतर जानते हैं, लेकिन कभी कभी शिक्षक भी अपने ज्ञान को भूलते हुए बेरहम बन जाता है। मामला घाटमपुर क्षेत्र के एक स्कूल में देखने को मिला है, जहां एक 9 वर्षीय छात्र को अपनी सहपाठी छात्रा का नाम पूछना पड़ा भारी, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी बेरहमी से डंडे से पिटाई कर दी। डरा सहमा पीड़ित छात्र जब घर पहुंचा तो उसने आप बीती परिजनों को बताई। वहीं परिजनों ने इस मामले में कोतवाली में शिकायत की। बताया जा रहा है कि संत बैरागी बाबा इंटर कॉलेज में 10 वर्षीय मयंक जो कक्षा 6 का छात्र है, उसने बताया कि उसने अपनी सहपाठी छात्रा से केवल उसका नाम पूछा था। आरोप है कि प्रिंसिपल व अन्य शिक्षकों ने इतनी सी बात पर उसे बेरहमी से पीटा, जिसमें उसके गंभीर चोट के निशान भी उभर आए। आनन फानन में पीड़ित छात्र ने घर पर पहुंचकर अपने साथ हुए आप बीती को परिजनों को बताया, जहां गुस्साए परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर इस स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ तहरीर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि छात्र के साथ पिटाई की बात सामने आई है, तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। कहाँ के रहने वाले? गढ़ाता। क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि हमारा भतीजा मुहैया स्कूल में पढ़ने गया था जी, किसी बात को लेकर प्रधानाध्यापक ने उसे बहुत बुरी तरह से पिटाई करी है। क्या किस वजह से, क्या लगता है आपको किस वजह से मारा पिटा है? ये तो वही जान सकता है, क्योंकि भतीजा है वो छोटा सा, ये बता रहा था कि मैं बाथरूम गया था, वहीं खड़ा था, बस आया और पकड़ के मारने लगा मुझे। कितने साल का है भतीजा आपका? ऐसे है लगभग 9-8 साल का। कहाँ के रहने वाले? गढ़ा था। मैंने, आप किस गांव के रहने वाले और किस स्कूल में पढ़ते हैं और आप थाने आए, क्यों आए? गढ़ा तक रहने वाले, संत बैरागी बाबा स्कूल मुहैया में पढ़ने वाले हैं। हमें सर ने मारा था और मैडमों ने मारा था, इसलिए थाने आए। क्या वजह रही मारने की? एक गुटिया से नाप पूछा। किस चीज से मारा था? डंडा से, स्टिक से। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास। कानपुर से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।